अगेन विद अ न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो है वो पूरी की पूरी रहेगी लैम्बोर्गिनी कार के ऊपर। लैम्बोर्गिनी कार भी कोई नॉर्मल नहीं है, उस गाड़ी के अंदर क्या है आपको फॉग भी मिलता है, गाड़ी धुआं भी छोड़ती रहती है। 12 वोल्ट की वो गाड़ी है, 1 से 5 ईयर तक का बच्चा आराम से बैठेगा। और उसका जो प्राइस है, प्राइस रहेगा 8,000 रुपये। और तो अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि गाइज मैंने आप सभी को बताया था कि मैं आपको लैम्बोर्गिनी का एक मॉडल दिखाऊंगा, स्पोर्ट्स मॉडल ऑरेंज कलर में, तो वो ये आएगा मॉडल। आप देख सकते हो मॉडल कितनी बढ़िया क्वालिटी में बना हुआ है, गाड़ी की फिनिशिंग आप एक बार चेक करो, बिल्कुल रियल गाड़ी की तरह बनी हुई है। गाड़ी को ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ऑन करने के बाद आपने देखी इसकी स्टार्टिंग साउंड कितनी बढ़िया बनी हुई है। और आप देख सकते हो ये आपको फ्रंट में क्या है, लाइटिंग मिल जाएगी, ये म्यूजिक के साथ कंट्रोल होती है। फ्रंट एलईडी हेडलाइट मिल जाएंगे आपको डबल, 1 और 2। पूरी लैम्बोर्गिनी की आगे से ग्रिल मिल जाएगी आपको और एक लाइटिंग इधर भी मिल जाएगी। गाड़ी का बोनट देख सकते हो, बिल्कुल मतलब जैसी असली लैम्बोर्गिनी आती है उसी तरीके से आगे से झुका हुआ बना है। और ये आपको स्पोर्ट्स गाड़ियों में जैसे ही देखते हो आपको पट्टियां मिलती है, वैसी सेम टू सेम ये डिजाइन बनाया गया है। अब गाड़ी का अगला क्या है, विंडशील्ड आप देख सकते हो कितनी बढ़िया क्वालिटी में और कितनी बढ़िया फिनिशिंग के अंदर दी हैवी ड्यूटी में। इसके क्या है, आपके साइड मिरर भी फोल्डेबल मिलते हैं, आपको साइड मिरर भी आपके फोल्ड हो जाते हैं आगे पीछे आगे पीछे। स्टेयरिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया दी हुई है इसमें, अगर स्टेयरिंग से बच्चा राइट लेफ्ट भी करता है तब भी गाड़ी को कुछ नहीं होता। अब क्या है, उसके साथ साथ आपकी गाड़ी के साइड से डोर भी ओपन हो जाते हैं पूरे, ये देख सकते हो बड़े आसानी से डोर ओपन हो जाएंगे और आपके लॉक भी हो जाते हैं। और उसके बाद क्या है, आप देख सकते हो जैसी असली लैम्बोर्गिनी में बुल का साइन मिलता है वही आपको इसमें भी बुल का साइन मिलेगा। नीचे आपको इसकी स्ट्रैपिंग मिल जाएगी असली लैम्बोर्गिनी की तरह, और डोर का जो डिजाइन है वो भी पूरा असली लैम्बोर्गिनी की तरह दिया है। गाड़ी आपको एलॉय व्हील के अंदर मिलती है, स्टार वाली एलॉय व्हील, क्रोम का काम करा हुआ मिल जाएगा। और इधर भी आपको लैम्बोर्गिनी की बैचिंग मिल जाएगी, आप देख सकते हो। ये आपको शॉकर क्वालिटी एक बार चेक करवा देता हूँ, बड़ी हैवी क्वालिटी में इसमें शॉकर लगे हुए हैं, जितनी मर्जी बच्ची रफ एंड टफ यूज कर ले कुछ भी नहीं होने वाला गाड़ी को। अब क्या एक बार बैक प्रोफाइल में आपको गाड़ी की दिखा देता हूँ, जैसी असली गाड़ी में आती है वो ही इसमें बैक प्रोफाइल दी हुई है गाड़ी में, ये देख सकते हो। लाइटिंग भी पूरी ओरिजिनल कार की तरह ही इसमें आपको मिलेगी, स्टेप्स वाली टेढ़ी, और इधर भी आपको लाइटिंग मिल जाएगी। और इसमें जो सबसे खास बात दी हुई है, जैसा असली गाड़ियों में धुआं आता है वही धुआं आएगा इस गाड़ी में, देख सकते हो जैसा आपकी असली गाड़ी में धुआं आता है वही इसमें धुआं निकलेगा। अगर आपको ये धुआं नहीं निकालना है, फॉग नहीं निकालना है, तो उसके लिए अलग से एक बटन दिया हुआ है, इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अब क्या है, आपको बैक प्रोफाइल तो आपने देख ली जैसी असली गाड़ी में आती है, ये इंजन का डिजाइन हो गया, ये सीट का डिजाइन हो गया, ये नंबर प्लेट हो गया, नंबर प्लेट पे भी लैम्बोर्गिनी की बैचिंग आपको मिल जाएगी। ये डबल साइलेंसर मिल जाएंगे, 1 और ये 2। अब क्या है, इसका दूसरी साइड का भी डोर ओपन हो जाता है गाड़ी का बड़े ही आसानी से, ये लॉक है, लॉक को ऊपर प्रेस करा देन आराम से आपके दरवाजे खुल जाएंगे। इसके चारों ही गाड़ियों में आपको अलॉय व्हील मिलेगी। अब आपको इसके इंटरनल फीचर दिखाऊंगा कि कैसे गाड़ी ऑन ऑफ होती है, ये देख सकते हो। ये गाड़ी का आपका स्टार्ट बटन आ जाएगा, ये गाड़ी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ये आपका फ्रंट गियर आ जाएगा। जब आप एक्सेलेटर से बच्चा आपका गाड़ी चलाता है तो आपकी गाड़ी क्या है आगे चलेगी, और ये मैंने बैक गियर डाल दिया और एक्सेलेटर दबाऊंगा तो गाड़ी आपकी बैक चलेगी, सारे कंट्रोल आपके हाथ में। और अब ये वाला जो बटन है ग्रीन वाला स्विंग, इससे क्या है गाड़ी आपकी बच्चे को ऑटोमेटिक झूला झुलाती रहती है, ऐसे आगे पीछे झूला झुलाती रहती है बच्चे को ऑटोमेटिक। इसको आप स्टॉप भी कर सकते हो। और ये आपको लाइटिंग का बटन मिल जाएगा, देख सकते हो, अगर लाइटिंग आपको दिन में नहीं जलानी तो लाइटिंग आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ज्यादा आपकी बैटरी कंजम्पशन ना हो। अगला जो बटन है, अगला बटन इसमें आएगा फॉग वाला, जो जैसे आपको फॉग दिन में नहीं निकालना है तो आप बंद चालू कर सकते हो, सारे कंट्रोल आपके हाथ में है। अगला क्या है, आपको हॉर्न मिल जाता है गाड़ी के अंदर, आप देख सकते हो ये म्यूजिक आ गया और इस तरह हॉर्न मिल जाएगा। हॉर्न के साथ साथ क्या है, आपको ये म्यूजिक पैनल इसका मिल जाता है। अब इधर आपका गाड़ी का चार्जिंग इंडिकेशन आ जाएगा, यूएसबी से आप गाने लगा सकते हो, ऑक्स वायर से गाने चला सकते हो, ये आवाज कम करने के लिए बटन आ जाएगा, आवाज प्लस करने के लिए बटन आ जाएगा, और ये मोड जो लिखा है, अब क्या है आप अपने फोन से होम थिएटर की तरह गाने भी चला सकते हो गाड़ी में, फोन से ये गाड़ी कनेक्टेड हो जाती है।
अब इसकी नीचे की आपको मैं चैसी एक बार दिखाता हूँ कितनी बढ़िया क्वालिटी की बनी हुई है। अब एक बार गाड़ी को मैं आपको उल्टी करके दिखाता हूँ कि गाड़ी का जो नीचे का फ्रेम है वो किस तरीके का। पहले तो आपको ये हैंडल मिल जाता है कैरी करने के लिए गाड़ी। अगर आपको पूरी गाड़ी उठा के नहीं लेके जानी तो ये हैंडल आप बाहर निकाल सकते हो और ये छोटे छोटे व्हील आप बाहर निकाल सकते हो। अब इससे क्या है आपको गाड़ी ड्रैग कराने में आसानी होगी, पूरी गाड़ी उठाने की जरूरत नहीं है। ये भी अंदर की तरफ लॉक हो जाते हैं। आपको ये मेटल की इसमें सपोर्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हो काफी अच्छी हैवी क्वालिटी में ये मेटल सपोर्ट आ जाएगी, इधर भी मेटल सपोर्ट आ जाएगी और वायरिंग पूरी कवर है, एक ही तार के अंदर वायरिंग दी हुई है। और आपको ये दिखा देता हूँ कि इसकी मेटल की जो क्वालिटी है बहुत बढ़िया बनी हुई है। और ये जो गाड़ी है पूरी की पूरी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में आती है। शॉकर इसमें मिल जाएंगे आपको, फ्रंट में देख सकते हो आप शॉकर मिल जाएंगे जो कि आपका 50 किलो तक वेट आराम से चला ले उठा लेती है गाड़ी। तो एक ये देख सकते हो इतनी ऊपर से मैंने गाड़ी छोड़ी गाड़ी को, तब भी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ये हैवी ड्यूटी वाली गाड़ी है और ये कमर्शियल वाली गाड़ी होती है। अगर मैं भी गाड़ी में चढ़ जाऊं तब भी इसको कुछ नहीं होने वाला, 75 किलो तक मेरा वेट है और गाड़ी में मैं खड़ा हुआ हूँ, गाड़ी को कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि ये सारी की सारी गाड़ी फ्रेश की प्लास्टिक में बनी हुई है और जो कि 50 किलो तक चलते टाइम वेट आराम से उठा लेती है। अब आपको मैं इसके रिमोट के सारे फीचर एक बार दिखा देता हूँ। अब मैं जो है आपको सबसे पहले रिमोट के सारे फीचर दिखा देता हूँ। ये आपका फ्रंट गियर आएगा रिमोट से, आप देख सकते हो गाड़ी आपकी आगे आ गई। और ये बैक गियर आ जाएगा, ये राइट लेफ्ट के लिए हो जाता है आपका, व्हील राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट सब कुछ हो जाएगा। और अब ये क्या है ऑटोमेटिक गाड़ी, बच्चे को ये पहली स्पीड पे बच्चे को आगे पीछे गाड़ी स्विंग भी कराती रहती है, ऑटोमेटिक स्विंग कराती रहेगी। हॉर्न का म्यूजिक आपको मिल जाएगा, हॉर्न आप बजा सकते हो, म्यूजिक आप बंद कर सकते हो। अगर दिन में लाइटिंग नहीं जलानी तो आप लाइटिंग भी ऑन ऑफ कर सकते हो, इसकी सारे ऑप्शन आपके हाथ में। दिन में लाइटिंग नहीं चाहिए, ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन ना हो उसके लिए। अब अगला जो फीचर है क्या है, आप ब्रेक भी लगा सकते हो। अगर आपने ब्रेक लगा दी तो गाड़ी का कोई भी बटन काम नहीं करेगा, ना रिमोट से और ना ही मैनुअली। अब आपका अगर जैसे बड़ा बच्चा है तो आप स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हो, 6 तक आपका स्पीड कंट्रोलिंग आएगी या स्पीड 1 पे भी आप रख सकते हो, सारी चीज़ आपके हाथ में कंट्रोल है। अब ये जो मैच कोड का बटन है ये गाड़ी में को आता है कनेक्टिविटी कराने के लिए, रिमोट और कनेक्टिविटी के लिए।